मैंने अनेक विषयों पर विस्तार से गहन चर्चा की। शायद हमारी टीम्स नोट्स लेते लेते भी थक गई होगी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि समय कम रह गया। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट बाइडेन एंड आई हैड सम वेरी वाइड रेंजिंग एंड डीप कॉन्वर्सेशंस टुडे। आई थिंक आवर टीम्स गॉट टायर्ड ऑफ टेकिंग नोट्स एंड येट इट फेल्ट लाइक वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं भारत अमेरिका संबंधों के बारे में और अधिक नहीं बोलना चाहता। आज ये मेरा पांचवा संबोधन है या शायद छठा, मैंने तो वाकई गिनना भी छोड़ दिया है। आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक टू मच अबाउट इंडिया यूएस रिलेशंस बिकॉज आई नो दिस इज माई फिफ्थ स्पीच फॉर द डे और मे बी इट्स द सिक्स्थ। एज यू कैन सी आई रियली हैव लॉस्ट काउंट। मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। मिस्टर प्रेसिडेंट, इन 2014 व्हेन यू हैड होस्टेड अ बैंक्वेट फॉर मी, एट दैट टाइम आई वाज ऑब्जर्विंग अ 9-डे रिलीजियस फास्ट एंड आई रिमेम्बर यू वर आस्किंग मी अगेन एंड अगेन व्हाट आई कुड ईट ड्यूरिंग माई फास्ट, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ईट एनीथिंग एंड यू वर क्वाइट कंसर्न अबाउट इट। वेल टूडे आई एम मेकिंग अप फॉर इट। ऑल दैट यू डिजायर्ड एट दैट टाइम विद सो मच अफेक्शन इज बींग फुलफिल्ड टूडे। मैं जानता हूं कि सभी लोग आज के स्पेशल मेनू को देखकर भोजन के लिए आतुर है और डॉक्टर बाइडेन ने बहुत बारीकी से एक एक चीज की चिंता की है, लेकिन एक काम अभी बाकी है। मेरा आग्रह है कि आप सभी एक टॉस्ट में मेरा साथ दें। आई नो एवरीवन इज ईगर टू हैव डिनर लुकिंग एट टुडे स्पेशल मेन्यू। I know the effort made by Dr. Biden in very delicately curating today's menu, but there is one more thing left to do. Please join me in raising a toast. A toast to our wonderful hosts, President Biden and Dr. Jill Biden. A toast to good health, prosperity, and the pursuit of happiness, to liberty, equality, and fraternity. And to the everlasting bonds of friendship between India and the United States. Cheers. Cheers. Thank you. Enjoy your meal.
स्टेट डिनर की लाइव तस्वीरें, ये भव्यता के साथ जो तैयारियां की गई हैं, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं। जॉइन मील के साथ जो बाइडेन ने ये संबोधन यहां पर खत्म किया है, यानी कि जो शानदार डिनर का आयोजन किया गया है, अब उसे करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन उन्हें लेकर यहां से चले गए हैं। आपको ये बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के संबोधन को आपने सुना, न सिर्फ ये बहुत औपचारिकता के साथ रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी तारीफ जो बाइडेन ने की, उतनी ही जो तारीफ थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी करी गई। यानी कि उनकी मित्रता को और ज्यादा प्रगाढ़ करने के लिए, उनकी मित्रता को एक नई दिशा देने के लिए ये संबोधन बहुत खास रहा। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, जहां पर डिनर का आयोजन किया गया है, म्यूजिक भी बैकग्राउंड में रखा गया है। आपको ये बताएं कि जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि कैसे मेन्यू का खास ख्याल रखा गया है, और स्टेट डिनर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से करेंगे, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इससे पहले जो बाइडेन के मन में इच्छा थी, मेरे लिए खाने का प्रबंध किया गया था, लेकिन उस वक्त नवरात्रि थी, 9 दिन के व्रत थे, और उस वक्त जब मैं खा नहीं सका तो वो मायूसी भी जो बाइडेन के लिए नजर आई थी। वो बार बार यही पूछ रहे थे कि क्या 9 दिन के उपवास में आप कुछ भी नहीं खाएंगे, और वो इच्छा आज उनकी जरूर पूरी हो रही है, क्योंकि आज जो उनके लिए आयोजन डिनर का किया गया है, उनके मेन्यू को कैसे खास रखा जाए, इसकी पूरे जिम्मेदारी जिल बाइडेन ने उठाई है, और इसी का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी किया। अब दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखेंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे ले जाते हुए जो बाइडेन इस संबोधन के बाद नजर आए, और दूसरी तस्वीर आप देखिए डिनर जहां पर हो रहा है, और इस डिनर को इतना खास बनाया गया है, इसे इस तरीके से यहां पर बनवाया गया है। जिल बाइडेन ने भी जिस बात का जिक्र किया कि जब यहां पर डिनर करने के लिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जब लोग यहां पर बैठेंगे तो ये लगेगा कि ये हमारे लिए बनाया गया, और सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बताएं कि जिस टेबल पर आपको इस वक्त ये तमाम बड़ी शख्सियत बैठी हुई नजर आ रही है, इसमें कई सारे नामचीन लोगों को इनवाइट किया गया है, इसमें बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के जो बड़े चेहरे हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका खास ख्याल रख के इस पूरे मेन्यू को तैयार किया गया है, बाकायदा इसका एक प्रीव्यू दिया गया था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी है, उनके भोजन में कैसे शाकाहारी यहां पर पूरी तरीके से सम्मिलित किया जाए, इसका ख्याल रखा गया, यानी कि खाना अमेरिका का लेकिन जायका कैसे भारत का यहां पर हो, यह सुनिश्चित किया गया। और दो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो दूसरी तस्वीर आप देखिए जेस्चर है, क्योंकि जिस तरीके से जो बाइडेन ने अपने संबोधन के दौरान इस बात का जिक्र किया कि ये जो दोस्ती है, ये जो मित्रता है, वो समय के साथ लगातार कैसे बढ़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक दशक पहले भी जब मैं आपसे मिला था, आपका पद जरूर दूसरा था, लेकिन जो काम करने की ताकत, जो विजन आपका उस वक्त था, वो आज भी नजर आता है जब आप प्रेसिडेंट हैं। ये वो तस्वीर है जब संबोधन हो रहा था। आपको इसके अलावा ये भी बताएं, जब डिनर इस वक्त किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्कार के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया, और सिर्फ ये नहीं, जब इससे पहले भी कल का भी संबोधन आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुना, तो उनकी तरफ से इस बात को कहा गया कि जब 3 दशक पहले मैं एक आम आदमी की तरह यहां पर पहुंचा था, तब मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि ये दरवाजे सिर्फ मेरे लिए नहीं खुले हैं, ये दरवाजे तमाम भारतीयों के लिए खुले हैं, और उन 4 मिलियन लोगों के लिए भी, उन 4 मिलियन भारतवंशियों के लिए भी जो इस वक्त अमेरिका में रहते हैं, और अमेरिका में रहकर वो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये स्टेट डिनर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे आयोजन कैसे किया गया है। आपको ये भी बताएं, जो बाइडेन ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, देश प्रेम उनके लिए सबसे आगे है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमेशा उसका जब जिक्र करते हैं, उसको जब देखते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश प्रेम की भावना हमेशा नजर आती है, और यही कारण है कि जब आज टेबल पर डिनर किया जा रहा है, तो देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का जो रंग है, उसकी जो सजावट टेबल की गई, उसमें शामिल किया गया है केसरिया रंग, हरा रंग वहां पर नजर आएगा। ये खास ख्याल रखा गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के की भावनाओं का ख्याल रखते हुए। अब देखिए आपको दो तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद कितना बड़ा है, भारत का कद कितना ऊंचा हो चुका है और विश्व स्तर पर भारत